ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परिवर्तिकार, अगर आज ये मटका भर के मैं अपने मालिक तक नहीं पहुंचा तो मुझे घर से बाहर कर देगा और एक कलंक मेरे सिर लग जाएगा। आज तक मैंने अपने आपे को और अपने पूर्वजों को कलंकित नहीं होने दिया है, ना ही अपने धर्म के ऊपर कोई कलंक लगने दिया, परंतु आज ये मेरी क्या दशा और दिशा बनाई है, एक मटके को नहीं उठा रहा। दसों दिशाओं के अंदर कोई नजर नहीं पड़ता, करूं तो क्या करूं? ये कौन? अरे रानी मदनावत आप? हे महाराज, आप और इस हालत में? हाँ रानी तारा, हम ही परिवार चलना था जमाने तेरी तंगी का, हम ही परिवार चलना था ओ जमाने तेरी तंगी का, अयोध्या का राजा नौकर हो गया आज एक भंगी का। वाह तारा, तुझे इस हालात में देख करके मुझे अपने आपे पे बहुत लज्जा आती है, परंतु समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है। हाँ। और नर से बड़ा बलवान ये वक्त होता है। हाँ हाँ। मेरे पास इतना तो समय नहीं कि आपसे आपके दिल का हाल बूझ लूं, परंतु तारा जहां तूने मेरा इतना साथ निभाया, इस बुरे वक्त में एक मदद और कर दे, एक मदद और कर दे। हे महाराज, बड़े दुखी नजर आ रहे हो, चेहरे पर उदासी छाई हुई है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? क्या मदद करवाना चाहते हो आप मुझसे? दिल जिगर और कलेजे में पड़े हैं नासूर, दिल जिगर और कलेजे में पड़े हैं नासूर, आंसू बन के ये मेरा खून बहा जाता है। ए जमाना, तू जैसा था तेरे को वैसा ही कहा जाता है। ये जो मटका आप देख रही हैं? जी महाराज। तारा, मैं इसे बार बार भर लेता हूं और फिर पानी को उल्टा भी कर देता हूं, क्योंकि ये आज मटका मेरे से उठाया नहीं जाता, और यही मेरी विनती है, इस मटके को उठा करके मेरे सिर तक पहुंचा दीजिए, तेरा बड़ा एहसान होगा। अगर कुछ और कार्य होता तो शायद मैं आपकी मदद जरूर कर देती, लेकिन आज इस समय के कारण मैं मजबूर हूँ महाराज। क्या मजबूरी हो सकती है आपकी? मेरी मजबूरी आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं और मेरा बेटा एक ब्राह्मण के घर में नौकरी करते हैं, फिर? और आप एक भंगी के घर में नौकरी करते हैं। अगर ब्राह्मणी को इस बात का पता भी चल गया कि मैंने एक भंगी के नौकर के घड़े के हाथ लगाया है, तो वो मुझे और मेरे बेटे को धक्के देकर नौकरी से निकाल देंगे, फिर मैं और मेरा बेटा कहां जाएंगे महाराज? आपका कहना उचित नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता, आप बहाना ना लगाइए, कृपया हो सके तो मेरी मदद करिए। मेरा एक बहरानी घड़ा ठुवा दे, यो जाता को ना ठाया, तेरा क्यों करे घड़ा ठवा तू पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। अरे एक बहरानी खड़ा ठुवा दे, जाता कोई न ठाया, क्यों करे घड़ा ठवा तो पिया जी, भिड़ जागी मेरी।
धो लिए अच्छा? के घट जागा तेरा तेरे घड़े के हाथी लगा दूते धर्म बिगड़ जा मेरा। इस धर्म कर्म के बारे में मन पात्या कोई न बेरा। तू भंगी घर रहे सजन मेरा ब्राह्मण के घर। नजर में मैं भंगी हो गई हूँ? हाँ महाराज। लाते कपड़े ना लाया लते कपड़े ना लाया री ना अनभंगी के खाया। एक जगह रहने से पिया जी किसने गात बचाया। क्यों करे घड़ा ठुआ जो पिया जी अरे जीव के जिम्मे। बुजुर्गों इससे बेहतर कोई लाइन इंसान को समझाने के लिए दादा लक्ष्मीचंद के पास नहीं हो सकती थी। देखिए क्या कहा है, ए सत का बंधन अरे जाथर थोड़ा पोछा ज्यादा क्यों कर गड्ढा उठा ले। आपके बस की घड़ा उठाना नहीं रहा। नहीं रहा, मैं आपके घड़े के हाथ तो नहीं लगा सकती महाराज, परंतु एक उपाय एक विधि जरूर बता सकती। अरे तारा, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं। सुन, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं। और इंसान की जब बन के बिगड़ जाया करती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आज तू मेरी ब्याही नहीं बल्कि एक दुश्मन के रूप में खड़ी हुई है। तू अगले पिछले संस्कार की दुश्मनी निभा रही। नहीं, मैंने हर वक्त आपका साथ दिया और आज जो मैं कर रही हूँ वो भी आप ही के लिए कर रही हूँ महाराज। आपने ही मुझे इस ड्यूटी पे खड़ा किया है, आपने ही मुझे ब्राह्मण के यहाँ पे बेचा था। तो फिर बताइए घड़ा कैसे उठा लूं? जाथर थोड़ा बोझा जाता क्यों कर घड़ा उठा ले। एक विधि मैं तने बताऊं बेशक ते अजमाले। और कौन सी विधि बतावे प्याही वा भी भरम मिटा ले। जल में गोता मार पिया जी नीची नाड़ झुका। जल में गोता ल्यावन का, इस जल में गोता ल्यावन का तन ठीक यतन बतलाया। और तले न होके ठाले क्यों इतना दुख पाया। क्यों कर झड़ा ठुआ जो पिया जी जागी मेरी धोलिए पैर धोलिए हाथ धोलिए पैर धोलिए और नहालिए जल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरी आई
तक आ लिया दिल में उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पले में उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पले में ये समय समय के खेल बावड़ी हा? समय समय के खेल बावड़ी ढलती फिरती छाया मेरी कह सुने कि ना मानी तने राजमार्ग ठुकराया क्यों कर घड़ा ठुका तो पिया जी बिड़ जागी मेरी बंधन जीव के जिम्मे जन्म लिए ते हो जा सोच समझ के हो साजन तू शुक्रम के भले बाजा जो ना आगे की बात बिचारे राह में कांटे हो जा उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े ने दुख विपता का कितना समय बिताया लक्ष्मी चंद ने भजन बना के सभा बीच में गाया चुप कर खड़ा ठुआ दो पिया जी फिर जागी मेरी काया मेरा एक बहरानी घड़ा ठुआ दे एक बहरानी घड़ा ठुआ दे जाता कोई न ठाया क्यों कर घड़ा ठुआ दो पिया जी बिड़ जागी मेरी काया क्यों कर घड़ा ठुआ दो पिया जी बिड़ जागी मेरी काया जोरदार ताली जोरदार ताली।